15 साल की छोटी सी उम्र में पिता को खोया, 6 महीने के भीतर बड़े भाई का छूटा दामन, 3 साल के लिए क्रिकेट छोड़ने के बावजूद आसमान के सितारे मुट्ठी में कर आकाशदीप ने साबित कर दिखाया कि यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा, जोश और जुनून हो तो ऊपर वाला भी आपको सफल बनाने की हर कोशिश में जुट जाता है। जी हाँ, टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप की दर्दनाक कहानी एक हर एक मिडिल क्लास और गरीब के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। पिता और बड़े भाई को खोने के बाद ही हार न मानकर उन्होंने अब भारत के लिए दमदार प्रदर्शन कर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है, उनकी कहानी उतनी आसान नहीं है। यहाँ तक का उनका सफर अंगारों और कांटों से भरपूर था। जी हाँ, आपको बता दें, आकाशदीप एक युवा क्रिकेट भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो IPL में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेलते हैं। आकाश दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के अंतिम 3 मैचों के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। ये उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दर्शाता है कि वो भारतीय क्रिकेट में एक उभरता हुआ सितारा है। और आते ही इस खिलाड़ी ने 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर न केवल इंग्लिश टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया बल्कि ऐतिहासिक प्रदर्शन कर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां अब हर एक क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर केवल आकाशदीप का ही नाम है। जो यहां आपको बता दें, भले ही वो बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आकाशदीप की जड़ें बिहार के डेहरी से जुड़ी हुई हैं। आकाशदीप का जन्म 15 दिसंबर 1996 को बिहार के डेहरी में हुआ था। कम उम्र में ही क्रिकेट के प्रति उनका जुनून जग जाहिर हो गया था। उनकी असली शिक्षा क्रिकेट के मैदान पर हुई। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट खेलने का शौक था, इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही औपचारिक शिक्षा को पीछे छोड़ दिया और अपने जुनून का पीछा करना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र से ही आकाश ने गेंद को अपना साथी बनाया और विकेट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्कूल और स्थानीय क्रिकेट क्लबों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी मदद से अंततः उन्हें 2018 में प्रतिष्ठित बंगाल क्रिकेट टीम में शामिल हुए। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ही है जिसकी मदद से वो आज राष्ट्रीय टीम में जगह बना पाए हैं। शुरुआत में वो एक बल्लेबाज के रूप में खेलते थे लेकिन बाद में उन्होंने गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और 2015 तक वो एक कुशल तेज गेंदबाज बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा हो जाए तभी किस्मत हमेशा धोखा देती है और आकाश के साथ भी यही होने वाला था। उनके जीवन में 2015 बेहद ही कठिन वर्ष था। आकाशदीप के शुरुआती जीवन में बहुत दुखद घटनाएं हुई थी। उनके पिता को लकवा मार गया जिसकी वजह से उन्हें 3 साल तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसके 6 महीने के भीतर ही उनके भाई का भी निधन हो गया। उनका बड़ा भाई भी उनसे दूर चला गया। दुखों का पहाड़ इतने में ही थमा नहीं। जब वो केवल 23 साल के थे तो उन्हें एक ऐसी पीठ की चोट लगी जिससे उनका पूरा करियर खत्म हो सकता था। एक समय तो उन्होंने लगभग क्रिकेट छोड़ ही दिया था क्योंकि घर में 2 परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी माँ उन्हें कोलकाता नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चचेरे भाई की मदद से कोलकाता के यूनाइटेड क्लब में शामिल होने के लिए यात्रा की। वो ठीक उसी समय वहां मौजूद थे जब CAB अपने विजन 2020 कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था। ये उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जहां उन्हें यूनाइटेड क्लब और मोहन बागान एथलेटिक क्लब में खेलने का अवसर मिला। उन्होंने बंगाल अंडर 23 टीम में भी शानदार प्रदर्शन किया जिसमें उन्हें घरेलू क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिला। आकाशदीप ने 2018-19 सत्र में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने 9 मार्च 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए अपनी T20 डेब्यू किया और अपने पहले मैच में ही उन्होंने 21 रन देकर 2 विकेट लिए। 24 सितंबर 2019 को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ लिए लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करते हुए उन्होंने 4.90 में इकोनॉमी रेट से 2 विकेट लिए। 25 दिसंबर 2019 को उन्होंने रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और अपने पहले मैच में यहां भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। भारतीय टेस्ट टीम में शामिल होने से पहले आकाश ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के लिए 2 टूर मैचों में 11 विकेट लिए जिसमें 2-4 विकेट हाल भी शामिल थे। आकाशदीप का IPL सफर 2021 में शुरू हुआ जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। 2022 के मेगा ऑक्शन में RCB ने उन्हें IPL डेब्यू का मौका भी दिया। उन्होंने मार्च 2022 में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और अपना पहला विकेट भी हासिल किया। हालांकि 2022 सीजन में उन्हें सिर्फ 5 मैच खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। इसके बाद उन्हें 2023 सीजन के लिए भी RCB ने बरकरार रखा लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वो सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए। हालांकि उनका IPL करियर काफी छोटा है लेकिन 2024 के सीजन के लिए भी RCB ने उन्हें फिर से रिटेन किया है। ये उनके द्वारा घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण ही हो पाया है। आकाशदीप निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली गेंदबाज है और भविष्य में IPL में उनके शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। आकाशदीप का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सफर
अभी शुरू ही हुआ है। 2022 में चोटिल शिवम मावी की जगह उन्हें एशियाई गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया, जहां वो स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। 2023 में एक बार फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल किया गया, लेकिन वहां भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के अंतिम तीन मैचों के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया, जहां उन्हें चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की जगह पर टीम में शामिल किया गया और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपने पांचवें ओवर में ही बेन डकैत को आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट लिया और फिर जैक रॉली और ओली पॉप को आउट कर उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। उनकी कहानी सच में हर किसी को रुला देने वाली है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की जोड़ी मिलकर क्या बेंगलोर को पहली बार आईपीएल चैंपियन बना पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।